हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आवर चैनल सीएस इंजीनियरिंग ज्ञान। आज के C++ के ट्यूटोरियल में हम लोग देखेंगे हाइब्रिड इनहेरिटेंस। हाइब्रिड इनहेरिटेंस क्या होता है C++ में? सो हाइब्रिड इनहेरिटेंस इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर देन टू इनहेरिटेंस। सो कॉम्बिनेशन ऑफ मोर देन वन टाइप ऑफ इनहेरिटेंस इज कॉल्ड एज अ हाइब्रिड इनहेरिटेंस। आप सिंगल इनहेरिटेंस मल्टीपल इनहेरिटेंस को कंबाइन कर दीजिए, सिंगल इनहेरिटेंस मल्टीपल मल्टी लेवल को कर दीजिए, तो वो आपका हाइब्रिड हो जाएगा। किसी भी दो इनहेरिटेंस को आप कंबाइन करें तो वो आपका क्या हो जाता है, हाइब्रिड। जैसे यहाँ पर है, देखिए इतना पोर्शन अगर आप देखेंगे तो ये है हायरार्किकल इनहेरिटेंस, ट्री स्ट्रक्चर है, और इतना पोर्शन अगर नीचे का देखेंगे तो आपका है मल्टीपल इनहेरिटेंस। तो ये कॉम्बिनेशन है आपका हायरार्किकल इनहेरिटेंस एंड मल्टीपल इनहेरिटेंस का। सो सिंटैक्स की अगर हम बात करें, सबसे पहले देखिए इसी का हम लोग क्रिएट करेंगे। क्लास ए बनाई, स्टेटमेंट हो गया, ए की प्रॉपर्टी को बी एक्सेस कर रहा है, तो बी पब्लिकली ए को एक्सेस कर रहा है। सो बी ने ए की प्रॉपर्टी को एक्सेस कर लिया, इसका स्टेटमेंट हो जाएगा। सी का हमने बनाया, सी भी पब्लिकली ए को एक्सेस कर रहा है, इसका स्टेटमेंट। देन डी जो है बी और सी दोनों की प्रॉपर्टी को एक्सेस कर रहा है, तो यहाँ पर हम लोग क्या कर देंगे, यहाँ पर डी का ऑब्जेक्ट हमने डी क्रिएट किया और ये बी और सी दोनों को क्या कर रहा है, एक्सेस कर रहा है, स्टेटमेंट आ जाएगा आपका। तो इस टाइप से आपने इनहेरिटेंस क्रिएट किया। अब इसका हम लोग एग्जाम्पल देखेंगे। प्रोग्राम है आपका, राइट अ प्रोग्राम फॉर हाइब्रिड इनहेरिटेंस इन C++। पहले मैं यहाँ पर डिफाइन कर रहा हूँ, देन हम लोग सिस्टम पे देखेंगे इसको। सो सबसे पहले हमने हेडर फाइल डिफाइन की यूजिंग नेम स्पेस STD। क्लास है, ये सुपर क्लास है, इसके अंदर पब्लिकली हमने एक मेथड क्रिएट कर दिया void display, एंड void display के अंदर हमने मैसेज दे दिया सी आउट सुपर क्लास डिस्प्ले फंक्शन, एंड इसके बाद आपकी क्लास क्लोज हो गई। अब इसकी प्रॉपर्टी को आपका बी एंड सी एक्सेस करेगा। सो बी पब्लिकली ए को एक्सेस कर रहा है, यहाँ पर भी हमने पब्लिकली एक मेथड क्रिएट कर दिया है शो, एंड सब क्लास शो फंक्शन कॉल हो गया आपका, और ये क्लास भी क्लोज हो गई। नेक्स्ट हमने सी के लिए भी ऑब्जेक्ट सी को भी बी की प्रॉपर्टी को ही सॉरी ए की प्रॉपर्टी को ही एक्सेस करेगा। सब क्लास हमने बना दी सी, इसके अंदर एक मेथड बना दिया है डिस्प्ले वन, और इसकी भी हमने मैसेज लिख दिया है सी आउट सब क्लास डिस्प्ले वन मेथड कॉल। सो इसके बाद आपका ये क्लास भी यहाँ पर क्या हो जाएगी, क्लोज हो जाएगी। नाउ नेक्स्ट है आपने डी क्रिएट किया। अब डी जो है वो बी और सी की प्रॉपर्टी को एक्सेस कर रहा है। सो यहाँ पर डी हमने क्रिएट किया, पब्लिकली बी पब्लिकली सी हो गया आपका, एंड पब्लिक void display टू, एंड यहाँ पर हमने क्या कर दिया, इसका भी मैसेज क्रिएट कर दिया, देन ये क्लास भी आपकी क्लोज होगी। अब इसमें ये कंडीशन है, अब किसका ऑब्जेक्ट आप यहाँ पर क्रिएट करेंगे। अगर आप डायरेक्टली डी का ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हो, उससे आप बी और सी को तो ईजिली कॉल कर सकते हैं। अगर आप डी से ए को कॉल करेंगे तो यहाँ पर एम्बिग्यूटी की प्रॉब्लम हो जाएगी। एम्बिग्यूटी का मीनिंग है डी जो है बी के थ्रू भी ए पे जा सकता है, सी के थ्रू भी ए पे जा सकता है, तो यहाँ पर कंपाइलर जो होता है कंफ्यूज हो जाएगा आपका। ये हम लोग मैं सिस्टम पे आपको बताऊंगा कि जब हम लोग रन करेंगे इसको कि क्यों कैसे प्रॉब्लम होगा। तो उस कंडीशन में हम एक तो डी का ऑब्जेक्ट बनाएंगे जिससे बी और सी कॉल हो जाएगा, उसके अलावा आप या तो बी का ऑब्जेक्ट क्रिएट कर दीजिए या आप सी का ऑब्जेक्ट क्रिएट कीजिए, उसके थ्रू आप ए के मेथड को कॉल करेंगे। सो पहले हमने डी का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, सब क्लास ऑब्जेक्ट क्रिएटेड, उससे हमने ob.display1 ob.show एंड ob.display2 को कॉल कर दिया। यानी ये हमने b के फंक्शन को कॉल किया, ये c के फंक्शन को, ये खुद के फंक्शन को भी कॉल कर दिया इसने। उसके अलावा हमने b का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया और इससे हमने सुपर क्लास जो आपकी a थी उसके मेथड को भी क्या करा, कॉल किया। अगर आप d से इसे कॉल करेंगे तो यहाँ पर एरर दे देगा एम्बिग्यूटी की, क्योंकि आपका वो प्रोसेस नहीं समझ पाएगा कि किसके थ्रू कहाँ से आप उसे कॉल करें, क्योंकि आपके पास दो प्रोसेस है कॉलिंग के, या तो आप सीधे डी से बी के थ्रू ए को कॉल कर सकते हैं, डी से आप सी के थ्रू भी ए को कॉल कर सकते हो। यहाँ पर ही प्रॉब्लम हो जाएगी कंपाइलर को। सो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर बी का ऑब्जेक्ट क्रिएट करके इसको कॉल कर देंगे। सो ये था आपका हाइब्रिड इनहेरिटेंस। सिस्टम पे हम लोग इसको देखेंगे प्रॉपर वे में। ओके, नाउ अब हम लोग देखेंगे प्रोग्राम हाइब्रिड इनहेरिटेंस का। हाइब्रिड इनहेरिटेंस क्या होता है? इट इज अ कलेक्शन ऑफ मोर देन वन इनहेरिटेंस, एक से ज्यादा इनहेरिटेंस का कलेक्शन होता है। तो यहाँ पर हम लोग एक तो हायरार्किकल इनहेरिटेंस को कंबाइन करेंगे और मल्टीपल इनहेरिटेंस को हम लोग कंबाइन करेंगे। सो पहले हम लोग हायरार्किकल इनहेरिटेंस क्रिएट करते हैं। हेडर फाइल हमने डिफाइन कर रखी है, इंक्लूड आईओ स्ट्रीम एंड यूजिंग नेम स्पेस। तो सबसे पहले मैं क्लास एक क्रिएट कर लेता हूँ ए, देन ए के अंदर हमने लिखा पब्लिक, देन वॉइड डिस्प्ले। प्रोग्राम आपके सारे सेम है, केवल थोड़ा सा कंडीशन हमने चेंज की है ताकि आप कहीं पर कंफ्यूज भी हो तो भी आपको ये क्लियर हो जाए। केवल आपको डायग्राम याद रखना है कि हायरार्किकल इनहेरिटेंस में क्या होता है, आपका मल्टीपल में क्या होता है, सिंगल इनहेरिटेंस में क्या होता है, तो वो अगर आपको पता होगा तो डायरेक्टली आप क्रिएट कर सकते हैं प्रोग्राम। तो पहली क्लास आपकी क्रिएट होगी, ये सुपर क्लास है। देन हमने क्लास यहाँ पर बनाई बी, जो आपकी
बी जो क्या कर रही है पब्लिक ऑफ इस ए की प्रॉपर्टी को एक्सेस कर रही है, देन एक्सेस स्पेस पर पब्लिक, इसके अंदर भी हम लोग मेथड क्रिएट कर देते हैं void show, शो मेथड हमने क्रिएट कर दिया है, एंड इसके अलावा आप सी आउट, देन आप यहाँ पर क्रिएट कर दीजिए इसका भी मैसेज इज सबक्लास शो मेथड। नेक्स्ट लाइन के लिए हम लोग स्लैश सेंड कर देंगे, देन ये क्लास भी आपकी हो चुकी है, एंड देन नेक्स्ट क्लास हमने बाई क्लास सी ये भी क्या करा है आपका एक्सेस करा है पब्लिक ऑफ ए की प्रॉपर्टी, तो यहाँ पर आपका बन चुका है ये हायरार्किकल इनहेरिटेंस। सो पब्लिक देन वॉइड डिस्प्ले वन हम लोग कर लेते हैं, एंड इसके अंदर हम लोग सी आउट में सब क्लास डिस्प्ले वन फंक्शन ये आ जाएगा आपका। अगर आप इसके बाद आप इसे क्लोज कर देंगे तो ये अगर आप प्रॉपर देखें तो इससे पहले जो आपने इनहेरिटेंस पढ़ा था हायरार्किकल इनहेरिटेंस में क्या है, ए है, ए की प्रॉपर्टी बी एक्सेस करा है एंड ए की प्रॉपर्टी सी भी एक्सेस करा है, तो ये हायरार्किकल इनहेरिटेंस हो गया। नाउ अब इन सब की प्रॉपर्टी बी एंड सी की प्रॉपर्टी एक नया जो है क्लास एक्सेस करेगी, तो यहाँ पर हम लोग एक क्लास और क्रिएट करें क्लास डी जो क्या करेगी आपकी पब्लिक ऑफ, तो यहाँ पर हमने मल्टीपल इनहेरिटेंस क्रिएट कर दिया पब्लिक ऑफ बी कॉमा पब्लिक ऑफ सी, तो ये डी जो है वो क्या कर रहा है बी और सी की प्रॉपर्टी को एक्सेस कर रहा है। सो ये आपका हो चुका है यहाँ पर मल्टीपल इनहेरिटेंस की कंडीशन, तो इसमें भी हम लोग मैसेज देते हैं पब्लिक, देन आप यहाँ पर लिख दीजिए void show one मेथड दे देते हैं, और यहाँ पर हम लोग क्या कर देंगे सी आउट के अंदर हम लोग दे देते हैं यहाँ पर सब क्लास शो वन मेथड, ये हो जाएगा आपका, तो यहाँ पर आपका कंबाइंड हो गया। नाउ अब आपका इंट मेन है, अब आप कहते हैं कि लास्ट वाली जो क्लास है उसका ऑब्जेक्ट बनाओ और उसे सबको कॉल कर दो। चलिए देखते हैं, डी का हमने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया ओबी, अब देखिए डी किसकी प्रॉपर्टी बी एंड सी की प्रॉपर्टी एक्सेस कर रहा है, तो इस ओबी से आप बी के फंक्शन को कॉल कर सकते हैं, तो बी का फंक्शन है आपका शो एंड सी का फंक्शन है डिस्प्ले वन। सो ओबी से अगर हम डिस्प्ले पहले हम लोग शो मेथड को कॉल करते हैं शो, तो शो आपका प्रॉपरली एग्जीक्यूट हो जाए, सेव करेंगे आप इसे, सो क्लास सिस्टम डॉट सीपीपी से मैं सेव कर देता हूँ आपको, सेव किया आपने, कंपाइल करेंगे रन करेंगे तो आपका पहला फंक्शन कॉल हो चुका है शो मेथड। नाउ ये तो आपका बी का फंक्शन कॉल हुआ, सी के फंक्शन को हम लोग कॉल करते हैं, सी का फंक्शन है आपका डिस्प्ले वन को आप कॉल कीजिए, सेव करेंगे आप, देन कंपाइल करेंगे रन करेंगे तो आपका सी का फंक्शन भी कॉल हो जाएगा, और ये खुद के फंक्शन को भी कॉल कर सकता है, सो ओबी डॉट शो वन को भी कॉल कर सकता है, ये शो वन मेथड को भी कॉल कर सकता है, सेव करेंगे आप, कंपाइल किया आपने इसको एंड रन किया तो ये प्रॉपरली रन हो चुका है। अब अगर आप क्या करते हैं इस ओबी से डिस्प्ले फंक्शन को कॉल करते हैं, डिस्प्ले फंक्शन को डायरेक्टली कॉल करते हैं, सेव करेंगे आप, कंपाइल करेंगे तो यहाँ पर एम्बिग्यूटी की प्रॉब्लम हो जाएगी, तो रिक्वेस्ट फॉर मेंबर डिस्प्ले इन एम्बिग्यूस कैंडिडेट आर वॉइड डिस्प्ले, एंड एम्बिग्यूटी की प्रॉब्लम इसलिए हो गई क्योंकि देखिए इस ए की प्रॉपर्टी आपकी इस ए की प्रॉपर्टी सी ने भी एक्सेस की है और बी ने भी एक्सेस की है, तो यहाँ पर डी के थ्रू आप बी और सी को तो कॉल कर सकते हैं और डी के थ्रू आप ए को भी कॉल कर सकते हैं, बट डी के थ्रू आप ए और बी को किसके थ्रू जाना चाह रहे हैं, बी के थ्रू सी के थ्रू, तो वो प्रोसेस आपका यहाँ पर रॉन्ग हो जाएगा, तो इसलिए आपकी क्या प्रॉब्लम आ जा रही है यहाँ पर एम्बिग्यूटी की प्रॉब्लम आती है। तो इस केस में अगर आपको डिस्प्ले को भी कॉल करना है तो पहले आप या तो बी का ऑब्जेक्ट बनाओ या सी का, तो बी का हम लोग एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लेते हैं ओबी वन, देन इस ओबी वन से आप डिस्प्ले को कॉल कर दीजिए, सेव करेंगे आप,
देन कंपाइल करेंगे इसको तो ये प्रॉपरली कंपाइल रन करेंगे तो ये आपका सुपर क्लास भी आपका कॉल हो जाएगा। इस ob1 से आप b के फंक्शन को भी कॉल कर सकते हैं, b का फंक्शन आपका शो है, शो फंक्शन को भी आप कॉल कर सकते हैं। सो ob1.show को भी आप कॉल कर सकते हैं। सो ये था आपका हाइब्रिड इनहेरिटेंस का प्रोग्राम। देखिए इसको भी कॉल किया हमने, रन करेंगे तो ये भी आपका कॉल हो जाएगा। तो ये था आपका हाइब्रिड इनहेरिटेंस का प्रोग्राम। थैंक यू स्टूडेंट।